आई वॉज शॉक टू लर्न कि कैसे यूपीएससी के जो तीन एस्पिरेंट्स थे जो कि लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, उसी लाइब्रेरी में जहाँ पर फ्लडिंग हुई जिसकी वजह से वहाँ पर पावर सप्लाई चली गई, लाइट चली गई और वहाँ के जो डोर्स थे वो जैम हो गए और इस सब की वजह से वो जो तीन स्टूडेंट्स थे वो डूब गए और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये जो पूरा इंसिडेंट मैंने आपको बताया ये हुआ है एट द बेसमेंट ऑफ द राउस आई एस स्टडी सर्कल। और जिस लाइब्रेरी की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है वो एक इल्लीगल लाइब्रेरी थी। अगर मैं यूपीएससी की जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसकी बात करूँ तो ये पूरी इंडस्ट्री अराउंड 3,000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो एक इनफॉर्मल सेक्टर की तरह स्टार्ट हुई थी, लेकिन अगर हम आज की तारीख की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो आज वहाँ जो कोचिंग्स हैं वो किसी कॉरपोरेट से कम नहीं है। वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करती हैं, बच्चों से लाखों की फ़ीस लेते हैं, बट जब उन्हीं बच्चों के लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन की बात आती है तो इल्लीगली अपना काम निकालते हैं। और ऐसा ही कुछ प्रेजेंट केस के अंदर भी हुआ। तो आज के हमारे वीडियो में हम इस पूरे इंसिडेंट को डिटेल में समझेंगे कि ये जो लाइब्रेरी थी वो कैसे इल्लीगल थी और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर हम कोचिंग की बात कर रहे हैं, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली एक फिल्म आई थी 12th Fail, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। उस मूवी के अंदर हमने काफ़ी सारे सीन्स में देखा कि कैसे वो जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो किन किन सर्कमस्टांसेस में रहता था, कभी जो आटे की चक्की है वहाँ रहता था, कभी लाइब्रेरी में ही सो जाता था। तो ये कोई जो है नई बात नहीं है, वहाँ पे यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में बहुत सारे लोगों की कहानी है ये, और यही सच्चाई है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कि छोटी छोटी सिटीज़ से आते हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं होते, वो कैसे दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, राजेंद्र नगर में सर्वाइव करते हैं उसकी कहानी है। तो जब हम इस तरीके की स्टोरीज सुनते हैं या ऐसी मूवीज़ देखते हैं जो कि एक्चुअली में बायोपिक हैं, किसी की लाइफ पर बनी हुई हैं, तो आई वंडर एंड आई क्वेश्चन कि इन बच्चों की सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या उन कोचिंग्स की जो कि लाखों रुपए उन बच्चों से ले रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स की, या फिर उस जगह की, वहाँ के जो पीजी ओनर्स हैं उनकी? क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस है जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं ये सिर्फ मूवी के लिए नहीं है, ये बहुत लोगों की लाइफ की रियलिटी है, हकीकत है। तो अगर हम बच्चों की बात करें, उनकी सेफ्टी की बात करें कि वो ढंग से सेफली इन जगहों पर रह रहे हैं या नहीं, इसको देखने वाला, इंस्पेक्ट करने वाला कोई नहीं है। ये जो एरियाज हैं जो मैंने आपको बताया ये इस समय ओवरबर्डन है विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग हियर, लेकिन इन्हें इंस्पेक्ट करने वाला, इनकी कंडीशंस को देखने वाला कि कैसे ये कोचिंग सेंटर्स जो हैं रन होते हैं, कोई भी नहीं है। जबकि ये ड्यूटी दिल्ली का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसकी होनी चाहिए, उसे देखना होगा कि ढंग से लीगली जो है सब काम हो रहा है, यानी जो भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो भी कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं वो लीगल हैं या नहीं है। अगर हम प्रेजेंट केस की भी बात करें तो इसके अंदर जो कोचिंग सेंटर है, जो राउस आईएस है, उसकी तो गलती है ही, बट जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसकी भी गलती है। क्योंकि ये जो इंसिडेंट जहाँ पर हुआ है वो एक लाइब्रेरी है जो कि बेसमेंट पे थी, और वहाँ पर उस समय अराउंड 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे थे। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, एक्चुअली में क्या हुआ था, पास में एक ड्रेन थी जो कि बर्स्ट हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी जो है इस लाइब्रेरी के जो बेसमेंट है उस पर 10 to 12 feet पानी जो है बहुत जल्दी भर गया था। अब क्योंकि वहाँ पानी भर गया था तो लाइट चली गई थी, कोई पावर सप्लाई नहीं थी, और ये जो लाइब्रेरी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर एक बायोमेट्रिक सिस्टम इंस्टॉल था, जिसका मतलब ये था कि इस लाइब्रेरी के जो डोर्स थे वो तभी खुलते या फिर बंद होते थे जब फिंगरप्रिंट वेरीफाई होगा। अब क्योंकि पानी भर गया था, पावर सप्लाई चली गई थी, तो इस वजह से जो है ये डोर्स लॉक हो गए थे और जो बच्चे थे वहाँ पर फंस गए थे, अटक गए थे, जिसकी वजह से वो यहाँ से एस्केप नहीं कर पाए। अब ये जो कोचिंग सेंटर है उसके फैकल्टी मेंबर्स का कहना है कि जैसे ही फ्लडिंग स्टार्ट हुई थी उन्होंने इमरजेंसी पे कॉल किया था, 112 पर कॉल किया था, लेकिन ट्रैफिक जाम्स की वजह से तो जो रेस्क्यूअर्स थे, जो बचाने वाले थे, वो टाइम पर उस जगह पर नहीं पहुंच पाए। आई वॉज वंडरिंग कि एक इल्लीगल लाइब्रेरी के अंदर इतना हाईटेक सिस्टम क्यों लगाया था, क्यों ये बायोमेट्रिक लगी हुई थी। अब रीज़न तो मैं नहीं जानती, शायद बच्चे कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, वो कितनी देर लाइब्रेरी में बैठते हैं, ये रीज़न होगा, बट स्टिल इसकी जगह कोई इंसान बैठ सकता था, कोई रजिस्टर हो सकता था। आज शायद अगर वो होता तो ये वहाँ अटके ना होते, वहाँ से निकल जाते, तो इससे जो तीन यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिनकी जान चली गई, जिनकी डेथ हो गई, वो शायद बच चुके होते।
या फिर ये जो इलीगल लाइब्रेरी है वो बनी ही ना होती, क्योंकि बेसमेंट पे इस तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। जी हाँ, ये जो 3-स्टोरी कोचिंग सेंटर था, इसका जो बिल्डिंग प्लान है उसे किसने अप्रूव किया था? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया था इन 2021। तो जो राउस आईएएस स्टडी सेंटर है उसको ये कम्प्लीशन या फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है वो नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दिया था इन अगस्त 2021। अब ये जो सर्टिफिकेट है अगर उसे हम देखा जाए तो उसमें क्लियरली जो है गाइडलाइंस गिवन है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो 3-स्टोरी बिल्डिंग है इसके अंदर जो ग्राउंड फ्लोर और सेकेंड फ्लोर है वो एलोकेट किया गया था फॉर ऑफिस यूज़, जबकि जो स्टिल्ट है यानी जो ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट है उसको रखा गया था फॉर कार पार्किंग एंड हाउस होल्ड स्टोरेज। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो कोचिंग सेंटर है इसने वायलेट किए नॉर्म्स। जो बेसमेंट था जो कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पार्किंग हो सकती थी या फिर कुछ स्टोरेज का सामान रखा जा सकता था, उसे लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया और जो वहाँ बच्चे पढ़ते थे उनकी जो लाइफ है उसे रिस्क में डाल दिया, ये जानते हुए भी कि वो जो एरिया है इट इज़ प्रोन टू वाटर लॉगिंग। और उनके पास पूरे रूल्स थे, उन्हें पता था कि दिल्ली के जो बायलॉज हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग बेसमेंट के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी करना जो है इलीगल है, अलाउड नहीं है। बट फिर भी उन्होंने वहाँ पर लाइब्रेरी बनाई और इस तरीके से बच्चों की जान खतरे में डाली। इनफैक्ट 3 लोगों की तो जान चली भी गई। और ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड इश्यूज़ पहले नहीं आए हैं। जब वहाँ के एक स्टूडेंट से पूछा गया तो उनका कहना था कि इस रिगार्ड में उन्होंने पहले भी कंप्लेंट की है कि कैसे वो जो है इलीगली इस लाइब्रेरी को रन कर रहे थे बेसमेंट के अंदर। इनफैक्ट उनका कहना है कि इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारे NOC नहीं हैं, जी हाँ, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है फ्रॉम फायर एंड अदर कंसर्न डिपार्टमेंट्स, वो सब इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कंप्लेंट्स फाइल की गई थी कि कभी भी किसी दिन कुछ मिसअप हो सकता है, और वो हो गया। जी हाँ, 3 बच्चों की डेथ हो गई। अब इस पूरे इशू से कुछ समझने की जगह, कुछ देखने की जगह कि हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लें, कैसे जो हैं ऐसी चीज़ें ना हो, अब इस पूरे मैटर को वापस से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जी हाँ, जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को टारगेट कर रही हैं कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी है कि टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन हो रहा है या नहीं। ये जो पूरी इंडस्ट्री है जो कि दिल्ली के अंदर है, सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर है, ये किसी से छुपी तो है नहीं। लाखों लोग वहाँ पर हर साल आते हैं ताकि वो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें, तो वहाँ की सिचुएशन देखने लायक है। तो इस पूरे इशू को पॉलिटिसाइज करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है वो आपको ब्लेम कर रही है इस इंसिडेंट के लिए कि उनकी गलती है। मैं ये नहीं कहती कि स्टेट गवर्नमेंट की गलती नहीं है, जी हाँ, उनको ध्यान रखना चाहिए था, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्हें ध्यान रखना चाहिए था, राजेंद्र नगर के जो MLA हैं दुर्गेश पाठक, उनको ब्लेम किया जा रहा है कि कैसे बार बार जो है लोकल्स उनको कंप्लेन करते रहे कि ये जो ड्रेन्स हैं इन्हें साफ़ कराया जाए, बट फिर भी जो MLA हैं वो उनकी बातों को इग्नोर करते रहे। बट इट्स हाई टाइम कि इस इंसिडेंट से हम कुछ सीख लें और समझें कि इस एरिया को जो है ढंग से प्रॉपरली डेवलप किया जाए, क्योंकि जब ये कोचिंग इंडस्ट्री वहाँ पर स्टार्ट हुई थी तो बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे करते ये बढ़ती गई, तो कुछ भी ऐसा प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है, कैसे वहाँ बच्चे रह रहे हैं, कैसे PGs काम कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स काम कर रहे हैं ढंग से, जो हैं वो लीगली वहाँ पर सब बिल्डिंग्स हैं या नहीं, तो इस सब चीज़ की जो है छानबीन होनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ पॉलिटिसाइजिंग द होल मैटर, वी शुड अंडरस्टैंड कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, और ऐसी और भी इंफॉर्मेशन के लिए, एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।